Please subscribe my channel and don't forget to press the bell button. Thank you. हाय फ्रेंड्स, हनी की रसोई से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल फ्लेवर का टूटी फ्रूटी केक, जो कि टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसे बनाने के लिए हमने ना तो बटर, कंडेंस मिल्क ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो चलिए बनाते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा केक टिन है, हम उसे ग्रीस करेंगे। मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है ग्रीसिंग के लिए। आप चाहे तो बटर या ऑयल ले सकते हैं। सबसे पहले घी को अच्छे से पूरे केक टिन पर लगाकर उस पर करीब एक चम्मच हम मैदा छिड़केंगे और अच्छे से एक सार कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा मैदा है तो उसे आप डस्ट में आप टैप करके बाहर निकाल सकते हैं। ये केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़े बाउल में एक कप मलाई का, यहाँ मैंने घर के कप का यूज़ किया है बिकॉज़ हर किसी के पास मेजरिंग कप्स नहीं होते हैं, तो अपना आपका जो घर का कप है उसमें एक कप फ्रेश मलाई, आपकी घर की जो मलाई निकलती है उसे लें। उसमें एक कप चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करके ढककर हमें 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। अब जो नेक्स्ट हमें करना है, अपना ओवन प्रीहीट करने रखना है। मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए अपने ओवन को प्रीहीट किया है। अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो वो भी प्रीहीट करें। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा जिस कप से हमने मलाई और चीनी नापी है सेम उसी कप से 2 कप मैदा हम लेंगे। मतलब 1 कप मलाई ली है, 1 कप चीनी लिया है, 2 कप मैदा लिया है, ठीक है। तो जो छलनी है उस पर 2 कप मैदा और 1 चम्मच छोटा जो खाने का चम्मच होता है उसे आप भरकर और फिंगर से लेवल कर लें। 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। एक यहाँ पर मैं छोटा सा टिप देना चाहूँगा, सोडा आप चाहें तो थोड़ा कम भी डालें तो चलेगा, पर उसे कभी भी एक्सेस ना डालें। अगर आपका सोडा एक्स्ट्रा होगा तो आपका केक टेस्ट में कड़वा हो जाएगा। हमारी सारी सामग्री को मिलाकर हम 3 बार छानकर एक साइड में रखेंगे। एक बार मैं छान चुकी हूँ, अब दोबारा हम लोगों को सेम प्रोसेस करना है। ये प्रोसेस हमें 3 बार करना है। इससे क्या होता है, मैदा के अंदर एक एयर बेल्ट होता है जिससे कि हमारा केक अच्छा राइज होता है, अच्छा फूलता है। तो एटलीस्ट आप कम से कम 3 बार ये प्रोसेस ज़रूर करें। तैयार मैदा के मिक्सचर में हम करीब 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने टूटी फ्रूटी के डाले हैं। और हमेशा टूटी फ्रूटी या कोई भी ड्राई फ्रूट या चॉको चिप्स आप जो भी डाल रहे हैं वो हमेशा मैदा में कोट करके डालें, डायरेक्ट ना डालें, अदरवाइज वो केक के तले में जाकर बैठ जाएगा। अब हम अपना जो मलाई चीनी का मिक्सचर हमने स्टार्टिंग में रखा था वो लेंगे। अब ऑलमोस्ट चीनी इसमें घुल गई है और उसे एक बार अच्छे से हैंड विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक साथ हो जाए, तो हम उसमें अपना एसेंस डालेंगे। मैं यहाँ पर पाइनएप्पल एसेंस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्स फ्रूट एसेंस या वनीला एसेंस आप कुछ भी डाल सकते हैं। और जैसे हम लोग पाइनएप्पल फ्लेवर बना रहे हैं तो मैंने इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाला है। मैंने यहाँ 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है, जिसमें से थोड़ा सा दूध मैं अभी डाला है करीब 1 टेबल स्पून के अराउंड, डालकर उसको वापस मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 ड्रॉप येलो फूड कलर का डाला है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम जो अपना हमने बैटर तैयार किया मलाई वाला, उसमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने अपना मैदा का मिक्सचर रेडी करके रखा है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और साथ के साथ थोड़ा थोड़ा दूध भी डालते जाएंगे। मतलब 2-3 चम्मच हमने अपना मैदा का मिक्सचर डाला, फिर थोड़ा दूध डाला और मिक्स किया। बिकॉज अगर आप एक साथ सारा दूध डालेंगे या मैदा डालेंगे तो उसमें लम्ब्स पड़ सकते हैं, तो हमें लम्ब्स को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस लाइक बीच बीच में करना है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएँ, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। मैदा का लास्ट पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम बिल्कुल स्पैचुला की हेल्प से कट एंड फोल्ड मेथड से उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ध्यान रहे केक को कभी भी ओवरबीट नहीं करना है, जस्ट मिक्स करना होता है। मैदे वाला मिक्सचर मुझे थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने करीब 2 टेबल स्पून दूध इसमें और डाला है। हमको जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो हल्की सी, मतलब मैं ज़्यादा फ्लोइंग भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, लाइक इस तरह की जब कंसिस्टेंसी देख रहे हैं वो हमें चाहिए कि हम जिस स्पैचुला घुराएँ तो वो हल्का हल्का नीचे रिबन की शेप में गिरे, ठीक है। तो हम लोग का तैयार बैटर, हमने जो केक टिन स्टार्टिंग में ग्रीस करके रखा था उसमें सारा बैटर डालेंगे और अच्छे से मतलब में उसको टैप टैप करेंगे ताकि जितने भी एयर लम्स हैं वो निकल जाएं।
मैंने केक के ऊपर भी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाली है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टूटी फ्रूटी को डायरेक्ट ना डालें या ड्राई फ्रूट जो भी आप डाल रहे हैं। तो मैंने हल्के से मैदा डालकर टूटी फ्रूटी को कोट कर लिया है, वो अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ ताकि अब हमारा केक बेक होगा तो ये एज इट इज ही रहेंगी, नीचे तले में नहीं बैठेंगी। अदरवाइज क्या होता है कि नॉर्मली केक्स में अगर आप डायरेक्ट डालते हैं तले में बैठते हैं। हमारा ओवन भी गर्म हो चुका है, अपना केक बेक करने के लिए रखेंगे अराउंड 35 मिनट, 30 to 35 मिनट 180 डिग्री पर। हाय फ्रेंड्स, एक छोटा सा चेंज यहाँ हुआ है। मेरा केक जब बेक हो रहा था आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद लाइट चली गई थी, तो मैंने क्या किया, एक भगोने को प्री हीट किया 10 मिनट के लिए और अपना केक जो उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब 20 से 25 मिनट बाद मेरा केक बिल्कुल रेडी है बनकर। देखिए फ्रेंड्स, मेरा केक बनकर बिल्कुल रेडी है, कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। इसे हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और आपको कैसा लगा, कैसा बना अपने अनुभव मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।